समस्या चूंकि नियति बनी हुई है, चूंकि लगातार प्रत्येक वर्ष बाढ़ को आना ही आना है। लड़के का मिजाज खराब है, काला का जन्म ले लो बाड़ी। अभी गंडक नदी में भाजपकल का डिस्चार्ज था, कल शाम तक 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज था और आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ नाव सहारा है। समस्या 2 महीने तक तो निश्चित रूप से रहेगा। बिहार में बीते दिनों मानसूनी वर्षा हुई, लेकिन इसके साथ ही नेपाल द्वारा बाढ़ के पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के कई जिलों में भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण लोगों को कई तरीके की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गंडक के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वाल्मीकि नगर बाजार से छोड़ा गया 3,03,800 क्यूसेक पानी जलस्तर को बढ़ा रहा है। गंडक के निचले इलाके में भी पानी बढ़ने की संभावना है, वहां के अधिकारी भी अलर्ट पर हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से तटबंधों पर सुरक्षित वापस लौटने की अपील भी की है। वहीं गंडक के जलस्तर के बढ़ने से गोपालगंज के सदर प्रखंड और मांझा प्रखंड के करीब आधा दर्जन पंचायतों के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहाँ बाढ़ के पानी से करीब एक दर्जन गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। गोपालगंज के जिन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है, उसमें प्रखंड का रामनगर, मेहंदिया, मकसूदपुर, जगरी टोला और मांझा प्रखंड के गौसिया, निमुइया, भैसाही और पुरैना सहित एक दर्जन गांव पंचायत शामिल हैं। इन गांवों में जाने वाला रास्ता पानी में डूब गया है। हालांकि यहां प्रशासन से सरकारी नाव की व्यवस्था की गई है। इसी सरकारी नाव से ही लोग जिला मुख्यालय आते और जाते हैं और अपने जरूरत का सामान खरीदते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि स्थानीय लोगों को इस बाढ़ के पानी के कारण किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लड़के का मिजाज खराब है, काला का जन्म ले लो बाड़ी। तो कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? गोपालगंज। तो कैसे जाइएगा गोपालगंज? अब उन्हें कोनो असवारी धर है। अभी यहाँ से ना से, हाँ, ना से। कितना दूर पैदल चल के आ रही है? 1 किलोमीटर। गौसिया पंचायत के पूर्व मुखिया राधाराम मिश्र ने बताया कि गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण मांझा प्रखंड के करीब 4 पंचायतों के निचले इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश किया है। यह सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों और मवेशियों के लिए है। कल तक तो आने जाने का रास्ता यहाँ था, लेकिन आज रात में पानी बढ़ जाने के कारण डिस्चार्ज 2,90,200 क्यूसेक हुआ था वाल्मीकि नगर से, तो उसका असर दिखने लगा है और आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ नाव सहारा है। तो सरकार के स्तर से नाव की व्यवस्था की गई है। गोसिया पंचायत में 2 स्थानों पर दो घाट हैं, उस स्थानों पर नाव की व्यवस्था सरकारी स्तर से की गई है और लोग इसी से आ जा रहे हैं। साथ ही कुछ पशुपालक हैं, उनको ज़्यादा परेशानी है कि चारा लाने और ले जाने में भी, फिर नाव पर ओवरलोड ना हो इसका भी ध्यान रखता है, तो काफ़ी वेट करना पड़ता है लोगों को। नाव की प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि कुछ 6 लोग 7 लोग जाएं, फिर उधर से लौटे तो फिर हम जाएं, तो ताता लगा रहता है दिन भर। कुछ बच्चे बीमार होते हैं या कुछ परिवार के लोग, तो उनको भी काफ़ी समस्या होती है जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय स्थित अस्पतालों में जाने के लिए। ये सब समस्या चूँकि नियति बनी हुई है, चूँकि लगातार प्रत्येक वर्ष बाढ़ को आना ही आना है और ये समस्या अनवरत जारी है। अब कब तक रहेगा समस्या जो है? ये समस्या 2 महीने तक तो निश्चित रूप से रहेगा और पानी कम होता कभी होगा तो कभी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जैसे जो डिस्चार्ज होगा उसके अनुसार पानी का प्रभाव रहेगा और लोगों को तो परेशानी होती रहेगी। यही नियति है। माझागढ़ प्रखंड में 4 पंचायतें प्रभावित हैं, जिसमें गौसिया, निमुइया, भैंसही और पुरैना है, और सदर प्रखंड में भी कई पंचायतें प्रभावित हैं, फिर बरौली और सिधवलिया में भी और बैकुंठपुर में, इन सभी जगहों में कुछ पंचायतें हैं जो प्रभावित हैं। प्रशासन के द्वारा 2 घाटों पर नाव की व्यवस्था भी की गई है। आइए अब आपको सुनाते हैं गोपालगंज के डीएम नवल किशोर चौधरी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। अभी गंडक नदी में भाजपकल का डिस्चार्ज था, कल शाम तक 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज था, तो जो कि पानी अभी उसकी मात्रा घट रही है लगातार, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन चूँकि 3 लाख पानी है वो हमारे इलाके से डिस्चार्ज करेगा, हमने विभिन्न गांवों में अपने सीईओ के माध्यम से, विभिन्न प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने प्रचार प्रसार कराया है
थोड़ा भी पानी भरने की आशंका लगे तो तत्काल एक दो दिनों के लिए पानी रहेगा तो वो घर से बाहर जा सकते हैं और हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कैंप का आयोजन भी करेंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में किसी कैंप के आयोजन की आवश्यकता नहीं। जैसा कि आपने देखा, इस बाढ़ की स्थिति के कारण स्थानीय लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे बच्चों के बीमार होने के बाद भी वहां एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि जो वहां जाने का रास्ता है वो तक पानी में डूब गया है और केवल नाव के सहारे ही लोग एक पार से दूसरे पार जा पा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि खासकर बुजुर्गों, मवेशियों और छोटे बच्चों के लिए वो पुख्ता इंतजाम करें जिससे लोगों की परेशानी कुछ कम हो सके। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।